Computer Networks IPv4 Header Part 2। इस वीडियो में IPv4 Header का जो हम फर्स्ट रो कर चुके हैं, इसके बाद हम करेंगे सेकेंड रो, राइट? दिस वन। सो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जैसे कि वर्ड स्पेसिफाई कर रहा है कि कोई भी आइडेंटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर किस चीज़ की आइडेंटिटी हो सकती है कि जो IP डाटाग्राम है, डाटाग्राम मतलब हेडर प्लस डाटा, ठीक है। जो ये एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन होगी और उस आइडेंटिफिकेशन को हम 16 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जब भी कोई भी पैकेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ा पैकेट है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, ये एक बड़ा पैकेट है, ठीक है, और फर्दर आप फ्रेगमेंट कर देते हो, फ्रेगमेंट मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। और वो क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि हो सकता है जो आप जहाँ पर डेस्टिनेशन पर सेंड कर रहे हो उसकी इतनी कैपेसिटी ना हो कि वो उतना बड़ा पैकेट रिसीव कर सके, तो आप क्या करते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में डाटा सेंड करते हैं, सो दैट के वो वन बाय वन उनको रिसीव कर सके। हो सकता है उसके पास इतना बड़ा बफर ना हो, इतना साइज ना हो बफर का कि वो एक बार में इतना बड़ा पैकेट जो है सेव करके रख सके, तो उसमें क्या होगा, वन बाय वन जो है फ्रेगमेंट जाएगा और वो उसको ईजिली रिसीव कर पाएगा और फाइनली वो रीअसेंबल कर लेगा, राइट। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है। अगर हम फ्रेगमेंट कर देते हैं, फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं डाटा की, तो उस केस में क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन जो हम बोल रहे हैं 16 बिट्स की है, वो हर एक फ्रेगमेंट के पास सेम होगी। इससे क्या होगा कि जो डेस्टिनेशन है उसको पता चल जाएगा कि ये उसी सेम पैकेट का पार्ट है या फिर फ्रेगमेंट है, ठीक है, मतलब एक सिंगल डाटा पैकेट का एक पार्ट है, क्योंकि सभी को हमने सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है जो कि 16 बिट्स का है, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज जीरो। ये वन बिट का होता है और ये सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता, इसका ऐसा कोई यूज नहीं होता। नेक्स्ट इज डीएफ। डीएफ भी वन बिट का होता है। वन बिट का मतलब क्या हुआ कि दो वैल्यूज आ सकती है, सॉरी वन वैल्यू आ सकती है। डीएफ में वन वैल्यू क्या आ सकती है, या तो जीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है। डीएफ का मतलब क्या हुआ, डू नॉट फ्रेगमेंट बिट। डू नॉट फ्रेगमेंट का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, इसको कोई पैकेट सेंड करना है और फ्रैगमेंट कर सेंड कर दिया, राइट, ठीक है। या फिर जैसा कि मैंने कहा कि 1000 बिट्स का एक पैकेट सेंड कर दिया और जो डेस्टिनेशन है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इतना बड़ा पैकेट रिसीव कर पाए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसने फ्रेगमेंटेशन नहीं की, मतलब पैकेट्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, इसने डायरेक्ट 1000 बिट्स का डायरेक्ट सेंड कर दिया। अब यहाँ पर जो इंटरमीडिएट डिवाइसेज हैं, ये क्या हो सकते हैं, राउटर्स हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, इसको फ्रेगमेंट कर देंगे सो दैट के जो डेस्टिनेशन है वो उसको रिसीव कर सके। बट दो कंडीशन हो सकती है, अगर आपने डीएफ बिट, क्योंकि यहाँ पर कोई एक वैल्यू आ सकती है, अगर जीरो सेट किए, जीरो सेट करने का मतलब क्या हुआ कि आप परमिशन दे रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट डिवाइसेज हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि जो स्विचेस हैं या फिर राउटर्स हैं, उनको आप अलाउड कर रहे हो कि जो भी अगर मैं कोई बड़ा पैकेट सेंड कर रही हूँ वो फ्रेगमेंट कर सकता है, ठीक है। जीरो सेट करने का मतलब क्या है कि आप परमिशन दे रहे हो कि जो इंटरमीडिएट डिवाइस है वो फ्रेगमेंट कर दे, मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दे, अगर उसको लगता है कि डेस्टिनेशन इतना बड़ा पैकेट नहीं रिसीव कर पाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर आपने डीएफ बिट को वन सेट करके सेंड किया, वन सेट करने का मतलब है कि जो इंटरमीडिएट डिवाइस है उसको अलाउड नहीं है कि इस पैकेट को वो फर्दर फ्रेगमेंट कर दे या फिर पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कोई पैकेट 1000 बिट का यहाँ रिसीव हुआ, बट यहाँ पर आपने क्या सेट कर दिया, वन सेट कर दिया। वन सेट करने का मतलब क्या है कि डू नॉट फ्रेगमेंट, कि इसको फ्रेगमेंट नहीं करना है। तो डू नॉट फ्रेगमेंट से क्या होगा कि ये इस पैकेट को फर्दर सेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये रिसीव नहीं कर पाएगा, तो ये इसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा और वापस एक एरर मैसेज भेज देगा कि जो पैकेट है उसमें जो बिट है उसको अगर आप जीरो सेट कर देते हो तो मैं फ्रेगमेंट करके फर्दर आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एरर मैसेज सोर्स के पास जरूर जाएगा कि उसको पता चलेगा कि पैकेट वापस क्यों आया, ठीक है। नेक्स्ट इज MF। MF मीन्स मोर फ्रेगमेंट बिट्स, ठीक है। यहाँ पर भी क्योंकि एक बिट का होता है तो या तो जीरो आएगी या वन आएगी। जीरो का मतलब क्या हुआ, मोर फ्रेगमेंट्स, जीरो। जीरो का मतलब क्या हुआ कि या तो ये लास्ट फ्रेगमेंट है, ठीक है, क्योंकि हम सी वन सेट करने का मतलब होता है यस, ठीक है, जीरो सेट करने का मतलब नो, ठीक है। मोर फ्रेगमेंट जीरो मतलब नो, मतलब मोर फ्रेगमेंट्स नहीं है, ये जो पैकेट है या फिर ये जो
फ्रेगमेंट है वो लास्ट फ्रेगमेंट है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपने इस पूरे पैकेट को फर्दर डिवाइड किया, मतलब ये जो लास्ट वाला फ्रेगमेंट है इसमें आप MF बिट को जीरो सेट कर दोगे, इससे क्या होगा कि डेस्टिनेशन को पता चल जाएगा कि इसके बाद कोई और फ्रेगमेंट नहीं है एक पर्टिकुलर डाटाग्राम से रिलेटेड, तो ये लास्ट फ्रेगमेंट है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि यही एक फ्रेगमेंट है इसको फर्दर नहीं डिवाइड किया गया, यही एक, क्योंकि हो सकता है कि हमें फ्रेगमेंट करने की ज़रूरत ही ना पड़े कि 100 बिट्स का भेजा और 100 बिट्स का डेस्टिनेशन रिसीव कर सकता है, तो उस केस में हमें फ्रेगमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे MF बिट को जीरो सेट कर देंगे, मतलब यही एक डाटाग्राम है इसको हमने फ्रेगमेंट नहीं किया और ना ही ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि आपने वन सेट कर दिया। वन सेट करने का मतलब क्या हुआ कि आपने अगर किसी भी फ्रेगमेंट जो डाटाग्राम भेजा हुआ है पार्ट्स में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कुछ पार्ट्स हैं, या आपने पार्ट्स भेजे और कोई भी बीच का है या फिर फर्स्ट वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको वन सेट करके भेजा हुआ है। वन सेट करने का मतलब है कि ये पूरे डाटाग्राम का एक सिंगल फ्रेगमेंट है और भी फ्रेगमेंट सभी आने बाकी हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द फ्रेगमेंट ऑफसेट। फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होता है? फ्रेगमेंट ऑफसेट इज 13 बिट्स फील्ड। ये क्या बताता है कि एक्चुअल में जो फ्रेगमेंटेड डाटाग्राम है, मतलब जो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है एक पैकेट को, वो एक्चुअल में कौन सी पोजीशन पर है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पैकेट था जिसका 0 to 399 बिट्स हैं, ठीक है, मतलब 400, ठीक है, 0 to 399 बिट्स हैं, और उनको हम डायरेक्ट नहीं सेंड कर पा रहे, हमने क्या किया उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब फ्रेगमेंट ऑफसेट जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया कि डिवाइड किस तरह से किया कि 0 to 199 हुआ वन पैकेट, सॉरी वन फ्रेगमेंट, 200 to 299 और थर्ड है 300 to 399, ये थ्री फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर जो फर्स्ट का ऑफसेट है वो है जीरो, और जो कि हमेशा जीरो रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये फर्स्ट फ्रेगमेंट है, राइट, ऑब्वियसली जो बिट है वो जीरो से स्टार्ट होगी, जीरो मतलब ये फर्स्ट फ्रेगमेंट है, तो फर्स्ट की हमेशा ही जीरो ऑफसेट रहेगा। देन सेकेंड है उसका क्या है 200 कहाँ से है, जो फर्स्ट बिट है, सी जो भी सबसे बेसिक जो बेस होगा, बेस वैल्यू है, मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, वही उसका ऑफसेट होगा। क्यों? इससे पता चलेगा कि जो इससे पहले वाला डाटा है, मतलब ये जो पिछले वाला फ्रेगमेंट है, वो कितने बिट्स का था। अगर यहाँ 200 लिखा है, इसका मतलब ये जो पुराना फ्रेगमेंट था, जो इससे पहले फ्रेगमेंट रिसीव हुआ है डेस्टिनेशन को, वो 200 बिट्स का था। कैसे पता चला? 0 to 199 का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में 0 to 199 है, बट वैल्यूज कितनी है, 200 वैल्यूज है, मतलब 200 बिट्स हम सेंड कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 300 है, मतलब इससे पहले टोटल कितनी सेंड कर चुके हैं हम, 300 बिट्स हम सेंड कर चुके हैं, राइट। तो इट इंडिकेट्स द पोजिशन ऑफ द फ्रेगमेंटेड डाटाग्राम इन द ओरिजिनल अनफ्रेगमेंटेड IP डाटाग्राम। मतलब ये अनफ्रेगमेंटेड डाटाग्राम में जब ये रीअसेंबल होगा तो इनको पता चल जाएगा कि किसकी कौन सी पोजिशन है, क्योंकि डेस्टिनेशन क्या करने वाला है एट द एंड, इनको रीअसेंबल करने वाला है और उसको पता चलेगा कि पहले कौन सा लगाना है, ठीक है, ओके। सो जैसे कि मैंने कहा कि द फर्स्ट फ्रेगमेंटेड डाटाग्राम हैज अ फ्रेगमेंट ऑफसेट ऑफ जीरो। फ्रेगमेंट ऑफसेट ऑफ ए गिवन फ्रेगमेंटेड डाटाग्राम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डाटा बाइट्स अहेड ऑफ इट इन द ओरिजिनल अनफ्रेगमेंटेड डाटाग्राम। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो ऑफसेट है, जैसे कि ये वाला ऑफसेट है 200, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ डाटा बाइट्स अहेड ऑफ इट, ठीक है, कि इससे पहले कितने बाइट्स हैं। मैं बिट्स में बात करी थी बट यहाँ पर बाइट्स हो सकते हैं, राइट, तो कितने बाइट्स इससे पहले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम क्या आती है, जैसा कि टोटल लेंथ का जो कंसेप्ट था, टोटल लेंथ मतलब यहाँ टोटल लेंथ 16 बिट्स की थी। टोटल लेंथ में क्या आता है कि ये जो हेडर है, ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा और बता रही हूँ, ये जो हेडर है प्लस ये जो डाटा है, ये पूरा कितना बाइट्स का है, ठीक है, ये हम कितने बिट्स में बता सकते हैं, 16 बिट्स में, और 16 बिट्स में बता सकते हैं क्या मतलब क्या हुआ, 2 raised to power 16 जो हैं बाइट्स डाटा है, और ये डाटा का मतलब क्या हुआ कि टोटल लेंथ क्या है, हेडर लेंथ, मतलब हेडर इंक्लूड हुआ और जो प्लस डाटा है वो टोटल कितना होगा, 2 raised to power 16 होगा, ठीक है, और उसको हम 16 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब
जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हम सिर्फ हेडर की बात करें, ठीक है, उसकी जो मिनिमम वैल्यू थी, मतलब अगर हम ऑप्शंस यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन जीरो है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ऑप्शंस हम कोई ऑप्शन नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ हेडर का बेसिक यूज कर रहे हैं, तो वो कितना था, 20 बाइट्स का। और फॉर एग्जाम्पल कि हम डाटा भी सेंड नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में 20 बाइट्स है, ठीक है, मिनिमम हेडर। बट अगर हम देखें कि अगर मिनिमम हेडर का साइज 20 बाइट्स है, तो एक्चुअल में हम मैक्सिमम कितना डाटा, क्योंकि बाकी बची जो वैल्यूज हैं, 2^16 क्या है, हेडर, हम कह रहे हैं हेडर 20 बाइट्स का है, तो बाकी जो बचा वो डाटा है, पेलोड लेंथ मतलब डाटा है, मतलब ये कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मतलब ये क्या होगा, 2^16 माइनस हेडर लेंथ, ये क्या होगा, पूरा डाटा होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द डाटा डेट कैन बी सेंट इन द पेलोड फील्ड इज इक्वल टू 2^16 माइनस 20 बाइट्स, ठीक है। और वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, वर्स्ट केस का मतलब क्या हुआ कि अगर हम जो भी ये डाटा आया, जितने भी बाइट्स का आया, उसको हम फ्रैगमेंट करके भेजना चाह रहे हैं, तो जो सबसे लास्ट वाला फ्रैगमेंट होगा उसका साइज कितना होगा, जस्ट हम ज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर 1 बाइट, ठीक है। तो उस सबसे लास्ट वाले को, सी मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिखाती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 to 399 है, ठीक है, और हमने अभी जो पीछे केस पढ़ा है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 0 to 2^16, ठीक है। और 2^16 का मतलब ये जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है, अगर लास्ट वाला फ्रेगमेंट जो है सिर्फ 1 बाइट का है, 1 बाइट का मतलब क्या है, ये जो सबसे लास्ट वाली बाइट है 399, ठीक है, और ये 399 ही इसका ऑफसेट बनेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, जो सबसे बेसिक वैल्यू होती है वही ऑफसेट होता है। और हम क्या कह रहे हैं, जो 399 है, मतलब जो सबसे लास्ट वाली बाइट है वो सिर्फ 1 बाइट ही है, जो सबसे लास्ट वाला फ्रेगमेंट है वो सिर्फ 1 बाइट का हुआ है। अब यहाँ पर क्योंकि रेंज अगर हम देखें तो 100 है, बट हम कह रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 1 ही वैल्यू है, तो 1 ही वैल्यू क्या बनेगी, उसका ऑफसेट बनेगी, राइट। तो वो ऑफसेट क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, 2^16 माइनस 20, ये क्या है कि पूरा जितना भी हमें हमारे पास डाटा के लिए स्पेस बचा हुआ है, माइनस 1, माइनस 1 क्या हुआ, जो पूरी वैल्यू है उसमें हम सबसे पहली जो सबसे लास्ट वाली बाइट है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, माइनस 1, मतलब वो लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये क्या होगा, इज अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें, 2^16 इज इक्वल टू 65535, और हम कह रहे हैं 20 माइनस 1, मतलब -20 -1 इज -21, वैल्यू क्या आएगी, 65514, मतलब ये क्या है, ये सबसे लास्ट वाला बाइट है। जैसे यहाँ पर 399 सबसे लास्ट वाला बाइट था, उसी तरह से अगर हम इस रेंज में बात करें तो जो सबसे लास्ट वाला बाइट होगा वो होगा 65514। अब इस 65514 को हम कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी सिंपल है, अगर इसको हम 16 बिट्स में रिप्रेजेंट करें तो ये हार्डली -21 वैल्यू है, तो ऑब्वियसली इसको भी हम क्या करेंगे, 16 बिट्स में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो वही है जैसे कि हमने पहले स्केलिंग की थी, कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फ्रैगमेंट ऑफसेट 13 बिट्स का फील्ड है, और यहाँ पर हम बात करें जो सबसे लास्ट वाली बिट है उसको हम कितने से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 16 बिट्स से, तो मतलब क्या है कि इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम स्केलिंग फैक्टर यूज करेंगे, और स्केलिंग फैक्टर जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हमने डिवाइड करके फाइंड आउट किया था, वहां पर 0 to 15 वैल्यू थी और 20 to 60 वैल्यू थी जिसको हमने डिवाइड करके फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर वैल्यूज डिफरेंट है, उन्हीं को डिवाइड करेंगे, 2^16 डिवाइड बाय 2^13 विच इज इक्वल टू 2^3, 16 -13 हो जाएगा क्योंकि ये डिविजन में माइनस हो जाएंगी वैल्यूज, तो ये क्या आया, 8। तो यहाँ पर स्केलिंग फैक्टर क्या है, 8, मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको यहाँ पर फ्रेगमेंट ऑफसेट का 13 बिट्स में जो भी वैल्यू दी गई है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, उसको जो डेस्टिनेशन वो क्या करेगा, 8 से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेगा, ठीक है। सो इतना डीप में अभी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम फ्रेगमेंटेशन डिटेल में करने वाले हैं, तो वहां पर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, यहाँ जस्ट मैंने आपको बेसिक बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रो करेंगे।